बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमने मेहंदी का क्लिप ऐड किया छोटा सा। आजकल हमारी फैमिली में शादी चल रही है, शादी का फंक्शन, तो हम बिज़ी हैं। हम प्रॉपर रेसिपीज़ बना के नहीं ऐड कर रहे, तो ये छोटा सा मैंने क्लिप ऐड किया मेहंदी का। और ये हम सैलड बनाने लगे हैं। ये सैलड बहुत ही सिंपल है और बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये हमने गोभी रखी है, कैबिज, पर्पल कलर वाली बंद गोभी, इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे वेजीज की मैं कटिंग करती जाऊंगी, साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह हमने कटिंग की है। अब हम इसको बॉल में ऐड करते हैं। अब हम ये लेटस की कटिंग कर रहे हैं। लेटस जैसे मैं काट रही हूँ ना, इसी तरह काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। देखिए, लेटस भी हमने काट के रखा है, ये भी हम बॉल में ऐड कर रहे हैं। अब हम कटिंग करने लगे हैं ब्रोकली की। सारी वेजीज को अच्छे से वॉश करके हमने रखा है, फिर ड्राई करके फिर उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले वेजीज को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। देखें, ब्रोकली की कटिंग करके हमने ऐड कर दी है बाउल में। अब हम खीरे की कटिंग करने लगे हैं। खीरे की कटिंग करके इसको भी हम बाउल में ऐड करते हैं। और ये गाजर भी हमने ऐड की है। अब हम मैंगो की कटिंग करते हैं। पहले इसका छिलका उतारते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये दो मैंगो मैंने ऐड किए हैं इस सैलड में। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा मैंगो ऐड कर लें, नहीं पसंद करते तो कम ऐड कर लें, ये आपकी चॉइस है।
देखें जी, मज़ेदार टेस्टी मैंगो सैलेड रेडी है। बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको हमारा बनाया हुआ मैंगो सैलेड पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना, दो में याद रखना। हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।